भव्या से रिन्यू से मैनुपुर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट का आरंभ अहमदाबाद में इतिहास रच गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों देश के प्रधानमंत्री एक साथ मैदान में पहुंचे और गोल्फ कार्ट पर मैदान का चक्कर लगाते हुए अपने अपने कप्तान को कैप पहनाए। प्रधानमंत्री मैदान में सभी खिलाड़ियों से मिले, परिचय लेते हुए हाथ मिलाया। राष्ट्रगान के बाद वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज के संग स्टैंड में लौट आए। सुबह 8:30 पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। दोनों प्रधानमंत्री आधे घंटे तक एक साथ आरंभिक दौर का मैच देखा, फिर राजभवन रवाना हुए। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट के माध्यम से दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की होली और रंगों के आनंद का भी लुत्फ लिया। गजब की होली जहां फूलों की बारिश से हुए नहा लिए। अहमदाबाद का यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा दर्शक को बैठाने की क्षमता रखता है और इस मैच में उम्मीद की जा रही है कि एक दिन में दर्शकों की सबसे बड़ी संख्या में मौजूद होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाए।